देश भर में मंदिर को लेकर विभिन्न मान्यताएं हैं, अलग अलग तरह का प्रसाद भी चढ़ता है, लेकिन मेरठ के कंकड़खेड़ा में एक अनोखी परंपरा है, जहां श्री धन्ना बाबा को मंदिर में श्रद्धालु धूप बत्ती के साथ सिगरेट से आरती करते हैं। यही नहीं, प्रसाद में गुड़ चने के साथ शराब चढ़ाते हैं। जी हाँ, सोचकर आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन इस मंदिर में सैकड़ों वर्ष से इसी तरह की मान्यताएं चलती आ रही हैं। श्रद्धालुओं की सभी मन्नतें भी पूरी होती हैं। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि 500 से अधिक साल पुराना यह मंदिर है। उनके अनुसार जिस स्थान पर यह मंदिर बना हुआ है, वहाँ कभी धन्ना बाबा रहा करते थे, जो काली माता के बहुत बड़े पुजारी थे। एक दिन जब काली माता की आराधना कर रहे थे, तो उन्होंने काली माता को रुद्र रूप में देखा। तब उन्होंने माँ काली से पूछा कि कहाँ जा रही हो। काली माता ने कहा था कि वह राक्षसों का नरसंहार करने जा रही हैं। ऐसे में बाबा ने उनसे कहा कि वह नरसंहार करने की जगह उनकी ही बलि ले ले। तब काली माता ने कहा था कि 2 दिन बाद उन्हें लेने आएंगी। जब 2 दिन बाद काली माता बलि लेने आई, तो उन्होंने श्री धन्ना बाबा को उनकी भक्ति में लीन देखा। इसके बाद काली माता ने उनसे वचन लिया था कि वह इसी स्थान पर अपनी समाधि लेंगे। तब बाबा ने इस स्थान पर समाधि ले ली थी। तब से लेकर अब तक समाधि पर श्री बाबा धन्ना की पूजा की जाती है। 11 समाज के लोग श्री धन्ना बाबा को अपने पितरों के रूप में पूजते हैं। मंदिर के पुजारी ने यह भी बताया कि श्री धन्ना बाबा ने काली माता के साक्षात दर्शन किए थे। इसके बाद उन्होंने वरदान दिया था, जो भी तुम्हारी पूजा अर्चना करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ऐसे में बाबा ने इस स्थान पर समाधि ले ली थी। अब तक यहाँ देश भर के लोग पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। उन्होंने बताया कि बाबा को शराब सिगरेट पसंद थी, इसलिए श्रद्धालु बाबा को इस तरह का प्रसाद चढ़ाते हैं। हालांकि वह कहते हैं कि उनका मूल प्रसाद गुड़ और चना है। इसके तो भैया, इसकी तो बहुत मानता है, शक्ति बहुत है, और 70 भोग हैं इसके। गुड़ चना सिगरेट और जी क्या ना धूप बत्ती अगरबत्ती, ये हाँ सब दारू चढ़ती है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम दिल्ली के। ये बताइए कि मंदिर आप कितने सालों से आ रहे हैं? बचपन से आ रहे हैं। बचपन से आ रहे हो, तो क्या मान्यता है इस मंदिर के साथ के रहने वाले हैं? हाँ, मान्यता प्राप्त ये है कि सबकी मनोकामना पूरी करते हैं, है ना, देखता है। धन्ना महापुरुष कहा जाता है इनको, धन्ना महापुरुष, है ना, ये सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। हाँ, सबकी मनोकामना पूरी करते हैं, जो भी मिलता है वो पूरा करते हैं। अच्छा, अब मुझे ज्यादा बोलना नहीं आता। मैं आपको आपको अब तक आपकी मनोकामना पूरी? हाँ हुई है, बिल्कुल हुई है, बिल्कुल मनोकामना सब हुई है। सिगरेट और शराब? हाँ, जो भी है, जो भी है। राजेश पुजारी। राजेश जी, ये बताइए पंडित जी की ये जो मंदिर है धन्ना बाबा जी, जी। भाई साहब, ये बहुत पुराना प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ गुड़ चना सिगरेट एंड धूपबत्ती अगरबत्ती का प्रसाद चढ़ता है, और जो भी यहाँ श्रद्धालु आता है उसकी मनोकामना बाबा जरूर पूरी करते हैं, चाहे वो किसी भी बिरादरी का हो। बड़ी दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ की विदेश तक से लोग आ चुके हैं यहाँ पर। आज जो संजय बाहर है, वो भी बाबा की कृपा से ही बाहर है। जो शराब है वो तो माँ काली के लिए चढ़ाई जाती है यहाँ पर, बाकी जो गुड़ चना सिगरेट अगरबत्ती धूपबत्ती है वो बाबा जी का प्रसाद है।